मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे भाई लोगों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का मैच जो मैंने खेला है बॉडी बिल्डर के साथ खेला है। जी हाँ दोस्तों, मी वर्सेस बॉडी बिल्डर, देखते हैं कौन जीतेगा। और सबसे बढ़िया कमाल की बात यह है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आज का मैच मैंने बिना प्रोटीन के साथ खेला है क्योंकि मेरे पास घर में सिर्फ सादा पानी था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर बने रहना, और चैनल पर न्यू हो तो इसी के साथ पहली बात लाइक प्रेस करो अपने प्यारे हाथों से, और चैनल को सब्सक्राइब करो अपने प्यारे हाथों से, और साथ में घंटी दबा दो। पहली बॉल आई, वो भी बहुत आसानी से मैंने ये शॉट इतनी ऊंची खेली कि फील्डर्स कह रहे यार कि हमें पंख लगा के उड़ के कैच करनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बॉल पे सिक्स लग चुका है। यहाँ पे ऑडियंस कह रही है हमें फील्डर्स बना दो क्योंकि हमेशा हमारे हाथ में बॉल आती है। तो यहाँ पे दूसरी बॉल पे भी सीधा आगे बढ़ के मैंने शॉट लगाई और सीधा डायरेक्ट ऑडियंस तक पहुँचाया क्योंकि ऑडियंस की मैं कैच प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आज दो बॉलों में दो सिक्स आ चुके हैं। यहाँ पे ऑडियंस की थोड़ी कैच प्रैक्टिस वीक हो गई थी, इसलिए मैंने कहा क्यों ना फील्डर्स की तो काफ़ी अच्छी है तो आज ऑडियंस की कैच प्रैक्टिस करवाई जाए। तो तीसरी बॉल क्या सिक्स आ पाएगा? तीसरी बॉल पर सिक्स लेने की कोशिश कर रही थी बट ये पकड़ी जाएगी बॉल, तीन रन हाथ में आएंगे। अब मेरे पास तीन बॉलों में 15 रन हो चुके हैं। क्या मैं ये 30 से अबव पहुँचा पाऊँगा? कमेंट में बताओ। तीन बॉलें हो चुकी है, तीन बॉलों के बाद ये प्लेयर सोच रहे हैं मैं कैसे बॉल दूँ। तो यहाँ पे इसका प्रोटीन काम नहीं आ रहा मैच में, यहाँ पे इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है। तो एक चौथी बॉल आती हुई, तो चौथी बॉल पे भी मैंने सिक्स लगा दिया और ये मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत आसानी से एक ऑडियंस ने कैच पकड़ते हुए दूसरे ऑडियंस को दिया। यहाँ पे स्टेडियम के बाहर कैच प्रैक्टिस चल रही है, वो भी ऑडियंस के बीच में। तो यहाँ पे चार बॉलों में तो ये वाइड होता हुआ, आई थिंक इसको प्ले बॉल नहीं समझ आई कैसे देनी है। तो यहाँ पे अब मेरे खाते में तीन चार बॉलों में 22 रन है, अभी दो बॉलें बची है। शेष गेंदों में एक और सिक्स लगा दिया और वो भी 28 रन मेरे खाते में जुड़ गए। पांच बॉलों में 28 रन, क्या ये 30 से अबव जाएगा या 30 के बीच में समेट जाएगा? आई थिंक इसको ना वो बॉल रखनी चाहिए थी जिसमें कि इसकी कमी ये है, जिसमें तीन रन आए थे ना वैसी बॉल रखता, क्या पता तीन रन ही आते। अब देखो ये बॉल भी बढ़िया दी थी, इसमें सिर्फ तीन रन मिले इसको, बाकी की भी मैं इसकी कमी यही थी अगर इसने वो कंटिन्यू नहीं करी जो बॉल बाकी करी है, बाकी बेफालतू की इसने पता नहीं कैसी कैसी दी है, तभी मैं आराम से शॉट लगाता गया और 32 रन मेरे खाते के अंदर आ चुके हैं। 32 रन्स, अब इसको जो 32 रन्स का टारगेट है, देखते हैं क्या ये बना पाएगा स्कोर। तो यहाँ पे पहली बॉल मैं इसको थोड़ा यहाँ पर ओवर द विकेट गया और मैं यहाँ पे स्लो गेंद के साथ स्टार्ट करूँगा। पहली बॉल स्लो बॉल के साथ स्टार्ट होगी तो यहाँ पे इसको बहुत आसानी से, बहुत आसानी से बाउंड्री पकड़ेगी। मेरे दो फिल्टर टक्कर खाने वाले थे, चलो कोई नहीं आप हक कर लो आराम से। तो यहाँ पे पहली बॉल चार रन हो चुके हैं, पांच बॉलें बची हुई है, क्या ये रन को क्रैक कर पाएगी, क्या ये टारगेट को बीट कर पाएगी मेरे बॉडी बिल्डर? तो यहाँ पे ये यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी बॉल राजेश के साथ चली है, मैंने राजेश की बॉल पे नहीं मार पाए, विकेट से क्रॉस होते हुए, क्या पता ये विकेट भी जा सकती थी बट मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे दो बॉलों में चार रन हो चुके हैं, तो तीसरी बॉल में रन आएगी नहीं आएगी? तो बड़ी आसानी से रन आएगी, यहाँ पे एक और फोर मिलेगा इनको, तो तीन बॉलों में आठ रन, जीतना मुश्किल हो गया अब जीतने के लिए इनको, लाइक बाउंड्री चाहिए ही चाहिए जीतने के लिए। भी कितने बना लेंगे, 20-26 पे क्रैक ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आठ तीन छक्के भी लगाएंगे तो। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या होने वाला है। एक और वाइड जाएगा, ये बहुत गलत वाइड गया मेरा। तो यहाँ पे तीन बॉलों में 9 रन आ चुके हैं, दोनों ने एक एक वाइड दिया। तो यहाँ पे भास्कर को लिया मैंने, भास्कर वो भी फुल पेस के साथ, क्या भास्कर की बॉल पे खेल पाएगी ये शॉट? तो यहाँ पे बहुत, ओ शिट भाई आपने बॉल दिखी थी विकेट चली जाती, अगर मैंने थोड़ा सा पीछे रख के खेला होता गोल सर्कल आसानी से विकेट चली जाती। आप लोग भी ऐसी बॉल ट्राई करना और सर्कल थोड़ा पीछे रख के खेलना और फुल पेस देना जैसे स्काई ब्लू कलर का इंडिकेटर, क्या पता विकेट भी चले जाए। जो प्लेयर समझदार ना उनको देना, जो समझदार होगे वो शॉट तो खेलेंगे लेकिन रन कम आएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। ऐसी बॉल पर रन बहुत प्रो प्लेयर से होते हैं जो सिक्स लगा देते हैं, फोर लगा देते हैं जैसे मैंने अभी दी थी। तो यहाँ पे पाँच बॉलों में इसके 12 रन, हार के एक इसको बाउंड्री तो देनी चाहिए, कोई बाउंड्री लगा दे भाई थोड़ा। यहाँ पे अब मैं फाइनली ये मुकाबला बड़ी आसानी से जीत गया और लाइक आ देने चाहिए भाइयों, आप लोग लाइक नहीं करते, एक प्यारे अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, अपने भाइयों अपने पेरेंट्स के साथ वीडियो शेयर करो ताकि वो भी मज़ा उठा सके। तो यहाँ पे एक और बॉल इसको बाउंड्री मिलेगी, चलो फाइनली इस बंदे को बाउंड्री तो मिली, तो 16 रन के साथ और मेरा 31वें फाइनली मैच जीत गया। ओके बाय फ्रेंड्स।